आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आज पटना की सीबीआई अदालत में पेशी होनी है। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव डोरंडा केस मामले में जेल में हैं और जेल में रहते हुए यानी कि पुलिस कस्टडी में उनका इलाज जो है रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है। लेकिन आज एक दूसरे मामले में लालू प्रसाद यादव का पेशी जो है वो पटना की अदालत में होगी। हालांकि यह पेशी वर्चुअल माध्यम से होगा। लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स से ही वर्चुअली कोर्ट में जुड़ेंगे। हम आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि पटना स्थित सीबीआई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो बांका कोषागार से अवैध निकासी का है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और आरके राणा समेत तीन आरोपी की पेशी आज सीबीआई कोर्ट में होगी। लालू की पेशी को लेकर प्रोडक्शन वारंट रांची पहुंच चुका है और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू रिम्स से ही इस मामले में जुड़ेंगे। उधर लालू यादव की तरफ से रांची हाई कोर्ट में रांची की सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी गई है। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उनकी तरफ से हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। अब इस अपील के साथ ही लालू यादव की तरफ से जमानती मांग भी की जाएगी। जमानत के लिए लालू यादव के वकील आधी सजा अवधि पूरी करने के तर्क को लेकर कोर्ट के सामने अपनी बात जो है वो रखी है। साथ ही साथ लालू की बढ़ती उम्र और बीमारियों के हवाला भी उनके वकील की तरफ से दिया जाएगा। उससे पहले आज बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में क्या कुछ होता है यह भी देखना होगा। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू समेत तीन जो आरोपी बनाए गए थे उनकी पेशी जो है पटना की सीबीआई कोर्ट में होने जा रही है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और आज वो रांची के रिम्स से ही वर्चुअल माध्यम से आज कोर्ट जुड़ेंगे। क्या कुछ निर्णय निकल के आएगा वो हम आपको बताएंगे। वही दूसरी तरफ बता दें कि जिन मामलों में लालू प्रसाद यादव की 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माने दिए गए हैं उसको चुनौती भी हाईकोर्ट में लालू यादव की तरफ से दी गई है। बढ़ते उम्र और खराब स्वास्थ्य के जो हवाला दिया गया है उसको लेकर लगातार आरजेडी बात कह रही है कि जो उनकी तबीयत है वो बहुत ठीक नहीं है। उनकी उम्र भी है अंतिम पड़ाव में है, ऐसे में 5 साल की सजा जो है वो उनके लिए सही नहीं है। लेकिन कोर्ट का मामला है, कोर्ट का फैसला हम सम्मान करते हैं। लेकिन बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव की पटना कोर्ट में पेशी हो रही है।